अमर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए समाजसेवी संस्था बीपीएम जय हिंद मिशन और संत रैदास लोक कल्याण ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में पैदल मशाल यात्रा निकाली गई। एक बार फिर अमर शहीद रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस 18 जून को ध्यान में रखते हुए आज 17 जून को पैदल मशाल यात्रा को शिवपुरी के तात्याटोपा स्मारक से रवाना किया गया। इस मौके पर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया, जेलर वीएस मौर्य, सीआरपीएफ के जवान सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं शहर के नागरिक उपस्थित रहे। शनिवार को मशाल यात्रा की रवानगी से पहले अमर शहीद तात्याटोपा स्मारक पर पुष्प तोप से सलामी दी गई। इसके बाद यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान इस पैदल मशाल यात्रा का नगर में कई जगह स्वागत हुआ। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, आज जो मिसाल यात्रा निकाली गई है किस उद्देश्य से निकाली गई है, क्या इसको बलिदान दिवस पे बलिदान दिवस जो यहाँ से जो लेकर जाते रहे और यहाँ से आते हैं करेरा जाएंगे और करेरा से फिर झांसी जाएंगे और पिछले 10 साल से ज़्यादा समय से ये और ये जज्बा को सलाम है जो यहाँ के जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो इसको करते हैं सभी को मैं तरफ से साधुवाद देता हूँ। हमारे बच्चों के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए आज जो सर मशाल यात्रा निकाली जा रही है इसको क्या उद्देश्य है? इस यात्रा का उद्देश्य है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने जो आज़ादी के लिए अपना जो शहीद हुई है उसको हम हमेशा याद रखें। उन्हीं के कारण क्या कहते हैं ये देश जो है आज़ाद हुआ है और हमेशा हमारी मन में दिमाग में हमेशा रहना चाहिए और इसी प्रकार से हम शहीद सभी शहीदों को और सैनिकों को याद करें। और ये दो दिवसीय जो यात्रा है यहाँ से झांसी तक जाएगी और मेरी शुभकामनाएं लोगों के साथ जो इस यात्रा में भाग ले रहे हैं और झांसी के महापौर झांसी के सांसद नमन धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।